हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। प्रोटीन चेकअप को लेकर शत्रु हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिससे लोगों ने उनकी बीमारी से भी जोड़ दिया था। कहा था कि शत्रु काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं और उनकी बीमारी की खबर सुन के उनके रिश्तेदार, परिवार, दोस्त और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां उन्हें हॉस्पिटल में देखने पहुंची। ऐसे में खबर ये भी आने लगी कि आज शत्रु को देखने रीना रॉय भी पहुंची। और जब रीना रॉय का नाम आता है तो सोनाक्षी का वो रिएक्शन याद कर लिया जाता है जब लोगों ने कहा था कि आखिर क्यों रीना और सोनाक्षी का चेहरा एक जैसा मिलता है। ऐसी बातें होने पर सोनाक्षी ने तड़कता भड़कता रिएक्शन दिया था। उस दौरान अफवाहें उड़ी थी कि शादीशुदा होने के बाद भी एक्टर उन्हें डेट करते थे। उन्होंने कभी इस बात पर रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन सालों बाद सोनाक्षी ने अपने पिता और उनकी प्रेमिका रीना रॉय पर बड़ा रिएक्शन दिया था। सोनाक्षी ने कहा, मुझे लगता है कि ये तब हुआ जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और मुझे तब पता चला जब मैं बड़ी हुई, चीजों को समझना शुरू किया, लेकिन मैं अपने पिता को सालों पहले किए गए किसी भी काम के लिए सूली पर नहीं चढ़ाने जा रही हूँ। उनका पास्ट था, हर किसी का पास्ट होता है, इसलिए मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ, ना ही मैं इस पर ध्यान देती हूँ। बस कुछ लोगों के लिए अच्छी सुर्खियाँ और गपशप हो जाती है, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार है। सोनाक्षी ने दोनों का ही सम्मान करते हुए इस बात को क्लोज किया, यानी सोनाक्षी को कभी अगर रीना रॉय का सामना भी करना पड़े तो भी वो उनका सम्मान करेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि हर किसी का पास्ट होता है और हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। जरूरी नहीं पास्ट में की गई चीजें फ्यूचर तक चलें। शत्रु सिन्हा और रीना रॉय की लव स्टोरी को खत्म हुए बरसें बीत चुकी हैं, लेकिन इनकी लव स्टोरी की चर्चे आज भी याद आते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्यों इतनी प्यार करने वाली जोड़ी एक दूसरे से अलग हो गई। क्या वजह रही होगी जो शत्रु रीना से शादी नहीं कर पाए? शायद ये सवाल हमेशा के लिए खत्म हो भी चुका था, लेकिन जब से सोनाक्षी का जन्म हुआ और उनका रीना के चेहरे से मैच करना फिर से इस सवाल को ताजा कर गया। आज भी लोगों का कहना है कि सोनाक्षी रीना की बेटी है, अब ये तो शत्रु और रीना ही जान सकती हैं। फिलहाल जब ये सवाल सोनाक्षी से पूछा गया तो उन्होंने रीना को बहुत सम्मान दिया, जैसे सच में सोनाक्षी का रीना से जन्मों का रिश्ता है। सोनाक्षी ने कहा, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता जो उन्होंने किया। मुझे तब ये बात पता चली जब मैं बड़ी हुई, चीजों को समझा, लेकिन इसमें गलत क्या है? हर किसी का अतीत होता है, जरूरी नहीं हर किसी का पास्ट फ्यूचर में बदले। अगर नहीं बदलता है तो ये सिर्फ चर्चाएं रह जाती हैं, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों अपनी सेहत और बेटी सोनाक्षी सिन्हा की इंटरफेस मैरिज की वजह से सनसनी में बने हुए हैं। सोनाक्षी ने 23 जून को अपने बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल के संग रजिस्टर मैरिज कर अपना घर बसाया। बता दे, जाहिर इस्लाम धर्म को मानते हैं जबकि सोनाक्षी हिंदू धर्म से संबंध रखती है। ऐसे में इनकी शादी को बिहार से एक हिंदूवादी संगठन ने शत्रुघ्न सिन्हा के दामाद पर लफ्ज जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने सोनाक्षी को बिहार में दाखिल न होने की चेतावनी भी दी। इन्हीं सब के बीच सोशल मीडिया पर शत्रु का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी भी अपने बच्चों पर अपनी पसंद नहीं थोपेंगे। शत्रु ने अपनी वाइफ पूनम सिन्हा और अपने बच्चों को लेकर काफी कुछ कहा। इंटरव्यू के दौरान जब शत्रु ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस पर शत्रु ने हामी भरते हुए कहा था कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये भी सच है कि हर कामयाब पुरुष के पत्नी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। हालांकि ये मजाक था, लेकिन लोगों का कहना है कि शत्रु ने अपने और रीना की स्टोरी को दोहराया है, क्योंकि कभी कुछ शत्रु भी पूनम को छोड़कर रीना से शादी करना चाहते थे, लेकिन पूनम ने इन दोनों को मिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से शत्रु का कहना है एक औरत सही भी कर सकती है और गलत भी कर सकती है। शत्रु अपनी लव लाइफ का दुख आज तक नहीं भूले हैं, ऐसे में वो अपनी बेटी सोनाक्षी का दुख समझ सकते हैं और उन्हें कभी भी जबरदस्ती शादी करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते थे।